हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लटका फाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूबीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप दोस्तों होगी जून 2022 की, यानी कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑल डिटेल सैलरी स्लिप में दिया गया है। आपको टोटल आपकी सैलरी कितनी होती है, बेसिक सैलरी कितनी होती है, टीए आपको कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, मतलब सारे अलाउंस के बारे में सैलरी स्लिप में दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे डिजिग्नेशन आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, ये आपकी सैलरी स्लिप होगी। और देखिए यहाँ पे कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड अंडरटेकिंग यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, ये आपकी सैलरी स्लिप है। और दोस्तों आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने यूबीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर अगर आपने कट ऑफ नहीं देखी है, ऑफिशियल कट ऑफ 2018-19 की जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसकी आपको इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में आपको मैं पिन कर दूंगा वीडियो का लिंक, ठीक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया आपकी टाइपिंग के बारे में, हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग का डाउट्स होगा सभी क्लियर, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और वहाँ मैंने बात किया आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा वो कब का होना चाहिए, सारी डिटेल दोस्तों वहाँ पे पूरा मैंने डिस्कस किया है, तो सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको कमेंट मैंने पिन किया कमेंट बॉक्स में, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसकी सैलरी स्लिप के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपकी सैलरी स्लिप है जून मंथ की, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कैस्को का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। और ये दोस्तों अभी आप फर्स्ट पेज देख पा रहे हैं, अभी सेकंड पेज भी इसको मैं आप पेज भी आपको इसको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने नेम और एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ को हाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आपका देखेंगे पीरियड, आप देखेंगे 1/6/2022 से 30/6/2022 तक, ठीक है, जून का। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले डिजिग्नेशन के बारे में, डिजिग्नेशन इसकी है देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, ठीक। और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका कानपुर की सैलरी स्लिप है, कैस्को के, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सभी डिटेल यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी बन के आएगी वो होगी 38,832 रुपये, यहाँ आप देख सकते हैं 38,832 रुपये, जिसमें आपका डिडक्शन दोस्तों जो होगा वो 4,080 रुपये आपका डिडक्शन मतलब आपके कटेगा। तो नेट अमाउंट कितना होगा 34,752 रुपीस, ये हो गया। फिर मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे ड्यू डेट देख सकते हैं 1/7/2022, ये है। और नीचे आप थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ पे दूसरा पेज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं अर्निंग और डिडक्शन, सब कुछ दिया गया है, एक तरफ यहाँ पे अर्निंग है, एक तरफ यहाँ पे डिडक्शन है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखिए, जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी यहाँ पे 27,200 रुपये, ये आपकी बेसिक सैलरी बनेगी, आप देख पा रहे हैं, ये आपका 7th पे कमीशन होगा। यहाँ पे जो डी यानी कि डियरनेस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जो होगा वो 8,432 रुपये आपको दिया जाएगा, प्लस आपको एचआर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जाता है वो भी आपको दिया जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है, वो आपको एचआर 3,000 रुपये दिया जाएगा, प्लस मेडिकल अलाउंस जो होता है वो आपको 200 रुपये दिया जाएगा। ये दोस्तों आपका अर्निंग हो गई, ये आप जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। अब ये आपका डिडक्शन हो गया, डिडक्शन यहाँ पे अगर आप बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ईपी जीपीएफ और सीपीएफ जो आपका ये होता है कटिंग होती है आपके, इसमें 3,563 रुपये आपका ये कटेगा, ठीक है, जो मैंने आपको टोटल डिडक्शन बताया था 4,080 रुपये वो टोटल कटता है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज आपका होता है 450 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज जो आपका होगा 49.49 रुपये, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर सर चार्ज होगा वो 18 रुपये होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे टोटल अगर हम बात कर लेते हैं रिडक्शन के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे टोटल जो आपकी सैलरी आपका जो बनेगी वो 38,832 रुपये, ये आपकी टोटल सैलरी जाके बन गई। और यहाँ पे टोटल जो रिडक्शन दोस्तों होगा वो 4,080 रुपये, ये आपका टोटल डिडक्शन होगा जो आपको कटेगा। आपकी सैलरी आपके अकाउंट पे कितनी आएगी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दे दिया गया है, कि यानी कि आपकी सैलरी इतना टोटल आपको यहाँ पे बनने वाली है 38,832 रुपये, कटेगा कितना आपका 4,080 रुपये आपका ये कट जाएगा। और ये 4,000 कटने के बाद जो आपका 38,832 में से टोटल दोस्तों जो आपकी नेट पे आएगा आपके अकाउंट में आएगा वो होगा कितना 34,752 रुपये आपकी जाके टोटल सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सैलरी स्लिप की वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और कट ऑफ वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।